आपने जो वादे किए थे आप तो भूल गए, मगर ना दिल्ली की जनता भूली है ना भाजपा के कार्यकर्ता भूले हैं। आपके पास शायद इसकी सूची नहीं है, मेरे पास इसकी सूची है। आपने कहा था आप 1000 स्कूल बनाओगे, जरा गिना कर दिखा दो कितने बनाए। आपकी गांव में एक भी स्कूल बनाए है भाई? नया बना है? 20 कॉलेज बनाने को कहा था, एक भी कॉलेज आया है? 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाने थे, 25-30 हजार लगाकर दिल्ली वालों को दिखाने का काम कर रहे हो भैया। 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाने थे, 5000 डीटीसी की बसें लानी थी, सिर्फ 300 लाए हो। 8 लाख युवाओं को नौकरी देने थी, जो नौकरी देने की छोड़ो, जो पहले से बेचारे अस्थाई नौकरी में है उनको भी आपने स्थायित्व नहीं दिया। फ्री वाईफाई देनी थी, मैं पूरे रोड से आया, मोबाइल लगाता रहा, बैटरी घिस गई, वाईफाई नहीं मिला भैया, कहीं वाईफाई नहीं मिला। एक जन लोकपाल लाना था, अन्ना हजारे के आंदोलन के सहारे आप मुख्यमंत्री बनकर बैठ गए, और अन्ना की कल्पना का जन लोकपाल आप नहीं लाए। मोदी जी ने लोकपाल का बिल पास करा, उसको भी आपने दिल्ली में स्वीकार नहीं करा। मित्रों, उन्होंने कहा था 15 अस्पताल बनाएंगे, मुझे बताओ भाई मटियाला वालों, अस्पताल आया है कोई क्या आपके पास, सुना है क्या? मित्रों, उन्होंने कहा नए नए फ्लाईओवर लगाएंगे, एक भी फ्लाईओवर नहीं लगाया। मोदी जी जो लगा रहे उसको भी आप रास्ते में रोकने का काम कर रहे हो। यमुना स्वच्छ कर देंगे, केजरीवाल जी यमुना स्वच्छ करना तो दूर रहा, आपने हमारे घरों में जो पानी आता था वो गंदा कर दिया, गंदा कर दिया। दिल्ली की जनता आज पूरे भारत में सबसे खराब जो पानी आती है वो पीने का काम कर रही है। केजरीवाल, यमुना माँ को तो छोड़ो, आपके बूते की बात नहीं है, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने गंगा स्वच्छ करने का काम किया है, यमुना भी हम ही स्वच्छ करें। केजरीवाल साहब 4.5 साल तक कहते थे कि मोदी जी ने मुझे काम ही नहीं करने दिया, मोदी जी मुझे रोकते हैं, इसलिए दिल्ली में विकास नहीं होता है, कहते थे या नहीं कहते थे भाई बताओ? और अब कहते दिल्ली का विकास मैंने करा, लगे रहो केजरीवाल भैया, 5 साल बहुत हो गया, अब दिल्ली के पीछे मत लगना, बहुत हो गया 5 साल आपका, और 5 साल के बाद एक भी चुनाव नहीं जीते हो आप। मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली का चुनाव हुआ, उसके बाद में लोकसभा का चुनाव हुआ, केजरीवाल जी हार गए, वहां खड़े रहे अपने वाराणसी में, हार गए। हरियाणा का चुनाव हुआ, हार गए। पंजाब का चुनाव हुआ, हार गए। अपने एमसीडी के तीनों चुनाव हुए, हार गए। इसके बाद में 19 में चुनाव हुआ, फिर से परवेश जीत कर आ गया, मोदी जी फिर से जीत कर आ गए, केजरीवाल आप हार गए। अब एक जीत को इतना बड़ा बनकर बनाकर दिखाते हो, आपको मालूम नहीं है आपको जिताने के बाद हर बार दिल्ली ने आपको हराया है। केजरीवाल, दिल्ली ने आपको हराया। ये राहुल बाबा एंड कंपनी तैयार खड़ी है, तुरंत विरोध करा कि धारा 370 मत हटाइए, कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी, खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, एक भी गोली नहीं चली और कश्मीर आज हमेशा के लिए भारत के साथ है। मुझे बताओ मटियाला वालों, 370 हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? जोर से बोलो, हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? मोदी जी ने अच्छा किया या बुरा किया? 370 हटाने के बाद 5 सदियों से दुनिया भर के लोग, पूरा देश हृदय में एक ध्यान लेकर बैठा था, एक आशा लेकर बैठा था
कि जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ वहां एक भव्य मंदिर देखेंगे मित्रों, भव्य मंदिर। मगर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इनके चट्टे पट्टे ये आप पार्टी, कोई नहीं चाहता था कि राम मंदिर बने। जब भी केस सुप्रीम कोर्ट में आता था कांग्रेस के वकील खड़े हो जाते थे, देखते तो अभी न चलाओ, अभी मत चलाओ, अभी मत चलाओ। क्यों भाई, आपके पेट में क्या दर्द हो रहा है? उनको वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी थी कि वहां मंदिर बनेगा तो हमारी वोट बैंक नाराज हो जाएगी, नाराज। अरे सुन लो केजरीवाल, राहुल बाबा, हम वोट बैंक की चिंता नहीं करते हैं मित्रों। आज सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया पांचों जजों ने कि वहां जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था वहीं पर एक भव्य मंदिर बने। और मित्रों मैं आपको कहने आया कि चार महीने के अंदर अयोध्या में उसी स्थान पर जहां श्री राम जन्मे थे वहां आसमान को छूता हुआ भव्य मंदिर बनाने का काम हम करेंगे। मित्रों ये हमारी भावनाओं का मुद्दा जो साल तक लंबित रहे मगर उनको ये मंजूर नहीं। मित्रों अभी दो साल पहले जेएनयू के अंदर कुछ बच्चों ने, कुछ लड़कों ने नारे लगाए कि भारत तेरे टुकड़े हो 1000। मुझे बताओ भाई, पटियाला वाला बता, वालों बताओ जरा, मन से बताना, भारत माता के 1000 टुकड़े करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए या नहीं डालना? जोर से बोलो, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जो नरेंद्र मोदी जी ने उनको पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डाला, तुरंत केजरीवाल वाला मफलर पहन कर पहुंच गए, तुरंत पहुंच गए कि भाई इनको क्यों पकड़ा है, वाणी स्वतंत्रता का अधिकार है। राहुल बाबा भी पीछे पीछे पहुंचे कि इनको क्यों पकड़ा है, इनको बोलने का अधिकार है। राहुल बाबा, वाणी स्वतंत्रता का अधिकार इस देश में है, हमें 100 गाली दे दो कोई परवाह नहीं, मेरी पार्टी को 100 गाली दे दो कोई परवाह नहीं, मगर भारत माता के टुकड़े करने की बात करी तो जेल की सलाखों के पीछे। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन आए हैं उनको हमारे देश में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? उनके साथ वहां प्रताड़ना होती है, बच्चियों की इज्जत आबरू लूट लेते हैं, उठा ले जाते हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं, हजारों हजारों मंदिर तोड़ दिए। कहां जाए वो लोग, कहां जाए वो बेचारे? भारत आए हैं, 70 साल से आए हैं, लाखों करोड़ों लोग, उनको नागरिकता देने की बात करी, फिर से केजरीवाल मैदान में, फिर से राहुल बाबा मैदान में कि हम देखते हैं कैसे देते हो। मित्रों हमने पार्लियामेंट के अंदर बिल लाया, चर्चा करी, सब पार्टियों को बोलने का मौका दिया और बाद में सीएए के बिल को हमने पारित कराया। जैसे ही बिल पारित हुआ वो लाखों करोड़ों लोग आज सम्मान के साथ जीने का स्वप्न देख रहे हैं। और मित्रों इन लोगों ने क्या करा, युवाओं को और लघुमति को, माइनॉरिटी को भड़काना शुरू किया और भड़काकर दिल्ली में दंगे कराए, दिल्ली के अंदर दंगे कराए। आपने भी दृश्य टीवी पर देखे हैं या नहीं देखे? जरा जोर से बोलो, देखे या नहीं देखे? आज भी निर्लज होकर उप मुख्यमंत्री दिल्ली के मनीष भाई कहते हैं कि हम शाहीन बाग वालों के साथ। मटियाला वालों, मैं पूछना चाहता हूं, आप सीएए के साथ हो या नहीं हो? जोर से बोलो, सीएए के साथ हो या नहीं हो? मित्रों इन्होंने दिल्ली की शांति को तोड़ने का काम करा है, दिल्ली में दंगा कराने का काम करा है। इस शासन में आए तो दिल्ली सुरक्षित रहेगी क्या? जोर से बोलो, रहेगी क्या? आप रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो? जो दंगा कराना चाहते हैं उनको शासन करने का अधिकार है क्या? मित्रों कुछ भी करे ये विरोध में आ जाते हैं,
370 हटाए विरोध, 35 से हटाए विरोध, राम मंदिर का फैसला है विरोध, सीएए करे विरोध, ट्रिपल तलाक हटाए विरोध भाई। और मुझे तो कई बार लगता है, मैं क्या होता है कई बार, यार राहुल बाबा का स्टेटमेंट आता है, केजरीवाल जी का स्टेटमेंट आता है, तुरंत दूसरे दिन, अरे सुनो 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 सुनो, राहुल बाबा और केजरीवाल का स्टेटमेंट आता है, तुरंत दूसरे दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का स्टेटमेंट आता है। और आप दोनों स्टेटमेंट यूट्यूब पर देखो, दोनों स्टेटमेंट एक समान है। मैं बहुत सोचता हूं इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है, मेरी समझ में नहीं। जो बात राहुल बाबा और केजरीवाल करते हैं वही बात इमरान खान करते हैं, जो बात इमरान खान करते हैं वही ये दो करते हैं। भाई आपके बीच में रिश्ता क्या है, मटियाला वालों को जरा बता दो एक बार, बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए भाई? मित्रों, मोदी जी ने इस देश को प्रगति के पथ पर ले जाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया में देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। और देश के दुश्मन पाक प्रेरित आतंकवादी जब भी देश में घुसे, चाहे उरी हो, चाहे कौन सा हो भी बोलो, दूसरा पुलवामा हो, चाहे उरी हो, चाहे पुलवामा हो, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को दंड देने का काम। 60 करोड़ गरीबों को, देश के 60 करोड़ गरीबों को शौचालय, घर, बिजली, गैस, स्वास्थ्य का कार्ड और अब पीने का पानी देने का निर्णय किया है। जैसे ही नरेंद्र मोदी जी बोले 15 अगस्त को कि 24 तक मैं हर घर में पीने का पानी पहुंचा दूंगा, ये नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त को बोले, मई में चुने गए, 15 अगस्त को बोले, 18 अगस्त को केजरीवाल जी ने कहा कि दिल्ली के हर एक आदमी को घर में हम पीने का पानी पहुंचा देंगे। अरे भैया केजरीवाल, मोदी जी ने परसों कहा कि हम पूरे देश को देंगे, दिल्ली देश में है या नहीं है भाई, बताओ जरा है या नहीं है? तो क्या आप खाक दोगे? मोदी जी ऑलरेडी वादा कर चुके हैं हर घर में शुद्ध पीने का पानी, आपके जैसा नहीं। इन्होंने जो पानी दिया है वो पूरे भारत में खराब से खराब क्वालिटी का पानी एक केजरीवाल ने दिया है। नरेंद्र मोदी जी मिनरल वाटर जैसा शुद्ध पानी पाइप के द्वारा हर घर में 24 तक पहुंचाने वाले हैं। मतलब हर घर में